नमस्कार, मैं दीपक प्रताप पोद्दार प्रोफेशनली लार्ज स्केल में मशरूम फार्मिंग करता हूं और बहुत ही तरह का मशरूम का सीड जो है वो मैं प्रोवाइड करवाता हूं, साथ ही साथ मशरूम का जो ट्रेनिंग है वो मैं देता हूं। और आज जो टॉपिक है वो टॉपिक है मशरूम का, जो ये कोपराइनस ये जो बैक्टीरिया दिख रहा है ये दरअसल एक बैक्टीरिया है और इसको अपना वैज्ञानिक भाषा में इसको कोपराइनस भी कहा जाता है। साथ ही साथ इस ये जो पैदा होता है ये पैदा मतलब ये साथ ही साथ ये जो पैदा होता है किस तरह से पैदा होता है वो मैं आज इस वीडियो में बताना चाहूँगा, साथ ही साथ कैसे इसको निपटाएं अपने बैग में से और कैसे इसका सलूशन क्या है इस भी इसको विस्तार में बात करना चाहूँगा। तो जैसे कि ये जो दिख रहा है आपको, ये गोल मैंने सर्कल करके रखा है, ये जो दिख रहा है देखिए, थोड़ा जूम करके इसको देखिए, यहीं पर इसका जो मेन अंकुर है यहीं से पैदा हो रहा है और इस जगह से पैदा होकर धीरे धीरे बढ़ रहा है और चाउमीन के जैसे लंबा हो रहा है और ये बाद में शाम के टाइम में ये ऐसा रहता है और अगले दिन सुबह को इसका जो ये जो छतरी है वो काला सा हो जाता है और पानी पानी सा हो जाता है। तो ये बेसिकली इसको वैज्ञानिक भाषा में कोपराइनस कहा जाता है और ये एक बैक्टीरिया है, ये एक बैक्टीरिया इसी तरह से पैदा होता है। जैसे कि आप अगर इसमें तो सबसे पहले कैसे पैदा होता है ये, तो ये इस विषय में बात करना चाहूँगा। ये बेसिकली जो भूसा है वो प्रॉपर स्टेलाइज ना होने के कारण इसमें ऐसा हो जाता है और इस टाइप का बैक्टीरिया आ जाता है। पहला इशू है जो है भूसा स्टेलाइज ना होने के कारण ऐसा होता है। अगर भूसा आपका स्टेलाइज है फिर भी ये हो रहा है तो जो अपना जो सीड है वो प्रॉपर वर्क मतलब माइसिलियम रन लेने के वजह से इसमें एक जो एमोनिया गैस वो ज़्यादा पैदा हो जाता है। फिर पैदा होने के बाद इसमें जो एक जो जो सारा गला जो कॉम्पोजिशन बन जाता है ये इस कॉम्पोजिशन में ये पैदा हो जाता है। और थर्ड इशू में वो इसमें चूना कम होने के वजह से होता है। चूना यानी कि जो मशरूम में जो बैग में पीएच लेवल को कंट्रोल करता है इसीलिए चूना बैग में दिया जाता है यानी कि भूसे में डाला जाता है। तो चूना कम होने के कारण चूना अगर इसमें कम रहेगा तो इसमें तभी भी हो सकता है। अगर आपका भूसा स्टेलाइज हुआ है प्रॉपर और सीट भी आपका काम कर रहा है और साथ ये दोनों ठीक है फिर भी आपका ऐसा हो रहा है तो मतलब समझ लीजिए आपका जो चूना है वो परिमाण कम हो चुका है। तो ये ख्याल रखिए कैसे ये मतलब आपका जो चूना है वो किस परिमाण में आपने दिया है याद कीजिए और सही परिमाण में अपना देना शुरू कीजिए तब ये नहीं आएगा। अगर ये आ गया फिर भी आप इसको निपटाने के अभी बात है इसका सल्यूशन क्या है अभी। अगर इस देखना है सबसे पहले इसमें कितना परसेंटेज में है बैग में, अगर 20% है तो कोई बात नहीं ऐसे रहने दीजिए, उसको टच भी मत कीजिए, वैसे रहने दीजिए। दिन प्रतिदिन वो अपना जो 80% माइसिलियम रन लिया है वो बाकी 20% को भी कवर कर लेगा। और अगर आपने 20 से ज़्यादा ये बड़े हैं यानी कि 50% है तो उस पैकेट को पकड़ के अलग से कमरे में शिफ्ट कर दीजिए। और ये याद रखें इस जो कोपराइनस है इसको इस कोपराइनस को एक भी डंटी को पकड़े ना आप, यदि अगर पकड़े हैं तो हाथ साबुन से धो के आए फिर उसके बाद दूसरा बैग में हाथ लगाए, वरना आपका ये हाथ के माध्यम से ये बैक्टीरिया दूसरे बैग में फैलेगा और आपका सारे के सारे फार्म में ये फैलता जाएगा। बेसिकली वैसे भी तो ये हालांकि ये तो फैलता है, ये कीड़े के माध्यम से फैल जाता है, जो कीड़ा फ्लाई करता है उसके ऊपर से ये ट्रांसफ़र होकर दूसरे बैग में शिफ्ट होता है। तो अगर परसेंटेज ज़्यादा है फार्म में ज़्यादा है कम है, परसेंटेज अगर कम है कोपराइनस फार्म में बहुत ही कम है तो टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं, अगर बहुत ज़्यादा है पूरा ही है तो टेंशन लेने की बहुत बात ही है, मतलब अपना थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा।
और इसको निपटाने के लिए जो भी आपका 20 और 50% अगर बैक वाला जो बात किया मैंने, तो 50% अगर है तो आप दूसरे फार्म में शिफ्ट, दूसरे शेड में शिफ्ट करवाएं, और अगर फिर 60-80% एक कॉपराइनस है बैग में तो उसको दूसरे घर में ही रख दें और उसमें से मशरूम लेने की आशा छोड़ दें, क्योंकि उसमें से और ज़्यादा मिलने वाला नहीं है, और मिलेगा भी तो ही वही 20% माइसिलियम रन हुआ होगा, तो उसमें से वही 100-200 या 500 ग्राम 600 ग्राम मशरूम ज़्यादा से ज़्यादा मिल सकता है, इससे अधिक नहीं। और ये होता कैसा है, ये बेसिकली ये अपने जो गर्मी का मौसम है, जैसे कि अपना मार्च महीने से चालू होता है सीधा सितंबर एंड अक्टूबर के फर्स्ट वीक तक भी ये ऐसा होता है। हालांकि ये ठंडी के मौसम में नहीं होता है, क्योंकि 25 डिग्री के टेम्परेचर के नीचे जब भी टेम्परेचर चला जाता है अपना फार्म का शेड का फार्म का जो वेदर है, तो अगर 25 डिग्री के नीचे अगर नीचे चला जाएगा तो ये सारे बैक्टीरिया नहीं आएगा। यदि अगर 25 के ऊपर रहा तो ये सारे के सारे बैक्टीरिया, बहुत सारा ऐसा इस टाइप का बहुत सारा बैक्टीरिया है जो आपको परेशानी में डालेगा। ठंडी के मौसम में ये सब जो भी है, ये सब चीज़ों से डरने की कोई बात नहीं है, आप बिंदास कर सकते हैं। जैसे ही ठंडी चला जाएगा तब भी आपका ये सारे इशू आपका चालू हो जाएगा, तो ध्यान रखिए। और इसी तरह से अच्छी तरह से इस तरह से आप मशरूम फार्मिंग कीजिए। कोई भी बात हो, कोई भी पूछताछ करने की बात हो तो फील फ्री मुझे कॉल कर सकते हैं, इस डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर दिया गया है, व्हाट्सएप नंबर भी है, दोनों में ही आप बात कर सकते हैं, दोनों में ही कम्युनिकेट कर सकते हैं मेरे साथ। और हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए और इस वीडियो को देखने के लिए और हमेशा हमेशा की तरह बार बार इस चैनल में आके वीडियो देखने के लिए आपका तहे दिल से प्रेम पूर्वक।